खबर संभल से है, जहां ग्राम पंचायत बुगनाला सादात में निकाला गया अमारी का जुलूस। जुलूस से पहले मजलिस हुई बपा, जिसको मुजफ्फरनगर से आए मौलाना सैयद आबिद हुसैन साहब ने खिताब फरमाया। उन्होंने कहा कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन ने इंसानियत और सच्चाई व नमाज को बनाने के लिए अपनी और अपने 72 साथियों की कर्बला में शहादत पेश की। जैसे ही ये कर्बला का जिक्र अजादारों ने सुना और सुनकर माहौल गमगीन हो गया। मजलिस में बैठे अजादारों की आंखों में आंसू बहने लगे। मौलाना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कराने वाले उस वक्त के जालिम बादशाह यजीद को दुनिया का पहला आतंकवादी व आतंकवाद का जन्मदाता बताया। मजलिस के बाद अमारी, अलम और ताबूत का जुलूस बरामद किया गया, जिसमें सभी लोगों ने नौहा मातम कर इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया। बहुत से आजादार हाथों में अलम, जिसे हुसैनी झंडा भी कहा जाता है, लेकर चल रहे थे। जुलूस में हुसैनी घोड़ा दुलदुल जुलजना भी साथ थे। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले इमामबाड़े मजार करबला पर रोजाए रसूल की छवि भी बनाई गई, जिस पर आजादारों ने फूल चढ़ाए और मन्नत मांगी। बुकनाला सादात में आज अमारी का जुलूस निकाला गया, चुपताजिए का जुलूस निकाला गया, और ये शिया समुदाय का मुहर्रम का आखिरी जुलूस होता है। और आज के बाद जो है शिया समुदाय के लोग जो हैं वो उनमें गम ख़त्म हो जाता है, जो शोक है वो समाप्त हो जाता है और विवाह शादी उत्सव आदि चालू हो जाते हैं। तो जुलूस में जो था, सबसे पहले मौलाना आबिद हुसैन साहब से, जो मुजफ्फरनगर से आए थे, उन्होंने मजलिस पढ़ी और मजलिस को खिताब करते हुए उन्होंने करबला के बारे में रोशनी डाली, करबला के बारे में बताया, जिक्र किया और इमाम हुसैन के बारे में बताया कि उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए अपनी और अपने 72 साथियों की करबला में शहादत दे दी। और ये बात सुनकर मजलिस में बैठा जितने भी आजादार थे वो आंसुओं से रोने लगे। और मौलाना ने बताया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद करने वाले उस वक्त के जालिम बादशाह जो यजीद था, वो दुनिया का पहला आतंकवादी था और वही आतंकवाद का जन्मदाता था, यजीद जो था। मजलिस के बाद अमारी का, अलम का, ताबूत का जुलूस बरामद हुआ और जुलूस में ऊँटों के ऊपर अमारी रखी हुई थी। बहुत से अजादार और हुसैन के मानने वाले लोग जो थे वो हाथों में अलम लिए हुए थे। अलम को ऐसे समझ लीजिए हुसैनी झंडा भी कहते थे, लेकर चल रहे थे। जुलूस में हुसैनी घोड़े थे, जुलजुल और जुलजना भी था। जुलूस के रास्ते में पढ़ने वाले इमामबाड़ा मजहर करबला पर रोज़ाए रसूल शबीए ताबूत बनाई गई थी, जिस पर अजादारों ने फूल चढ़ाए और अपनी मन्नतें और मुरादें भी मांगी। जुलूस इमाम बारगाह साहिबुज़्ज़मान से शुरू होकर गांव के सभी आम रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बनी हाशिम पर आकर ख़त्म हुआ। इसके साथ ही शिया समुदाय से मुहर्रम का गम और शोक समाप्त हो गया। जुलूस में मुख्य रूप से सैयद हादी हसन, ज़िया अब्बास नकवी, अब्बास हैदर एडवोकेट, हसन हैदर, मोहम्मद नकी आदि लोग थे। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।